मीम न्यूज एक्सप्रेस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल बटन दबाना ना भूलें। जानना चाहती हूँ कि बीजेपी पार्टी के बाद सबसे ज्यादा पैसा तो शायद एनसीपी और कांग्रेस के पास ही है, तो इसमें इन पार्टियों ने ये चैलेंज क्यों नहीं किया अभी कोर्ट ऑफ लॉ? एक और चीज, आज सारा दिन तो खैर मैं नहीं, 4:30 बजे पहुंची हूँ यहाँ, लेकिन जितने पैनलिस्ट से सब लोगों से जो यंग यहाँ पे उत्सुक छात्र हैं उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि क्या किया जाए, हम क्या कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं। Yes, I'm doing that also. मैं छात्र नहीं हूँ इस वक्त, लेकिन कोई इन्हें ये नहीं बता रहा है कि गणतंत्र में और एक डेमोक्रेसी में जिस रिप्रेजेंटेटिव को आप इलेक्ट करके वहाँ भेजते हैं, चाहे आपने उसको वोट नहीं दिया लेकिन वो जीत गया, अब आपको वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरा पीएम कभी भी मोदी नहीं हो सकता, कभी नहीं, है ना, लेकिन फिर भी अब वो मेरा पीएम है, है ना, तो मैं उससे मुझे एंगेज करना पड़ेगा। कैसे करूंगी? मैं डायरेक्टली नहीं जा सकती पीएम, मैं अपने एमएलए से एंगेज कर सकती हूँ, मैं अपने कॉरपोरेटर से एंगेज कर सकती हूँ, मैं अपने एमपी से एंगेज कर सकती हूँ। कितने लोग हैं जिनको ये बताया गया उन पैनलिस्ट द्वारा कि देखिए आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाइए, आप बीएमसी की वेबसाइट पर जाइए, आपको पता चलेगा आप किस वार्ड में रहते हैं, वो वार्ड ऑफिसर का नाम क्या है, वहाँ के इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का नाम क्या है, अगर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर नहीं है तो आवाज़ उठाइए, चिट्ठी लिखिए, ईमेल इज अ लीगल टेंडर, वहाँ पे ईमेल होता है उन लोगों का, उनका फ़ोन नंबर होता है, आप लिखते क्यों नहीं है, आप रजिस्ट्री से पोस्ट से भेजते क्यों नहीं है कि हमारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर नहीं है, मुझे RTI फाइल करना है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। RTI एक्ट डायलूट किया गया है लेकिन है वो अभी, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम रोज़ अपने MP को एक फ़ोन कर सकते हैं, हम रोज़ अपने MLA को एक फ़ोन कर सकते हैं, हम रोज़ एक चिट्ठी असेंबली में, यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली में भेज सकते हैं। ये बच्चों को क्यों नहीं बताया गया कि ये करो, दिस इज़ हाउ यू एंगेज विद देम। आज 11 RTI भेजते हैं हम लोग, 11 की कीमत नहीं है, 20,000 की कीमत नहीं है, वो मिस्टर भास्कर जो उठ के खड़े होकर के बोले थे, वो RTI एक्टिविस्ट ने जिन्होंने कहा एक मरा है जो ऑलमोस्ट रोने लगे, उनका बैठो बैठो, एक्सक्यूज मी, हेलो लिसन टू हिम, वो बेचारे अकेले लड़ रहे हैं। अगर आप में से 100,000 लोग उसके साथ ज्वाइन कर जाए ना, ये जो 850 वाला रजिस्टर कर गए हैं ना, अगर ये 850 RTI फाइल करेंगे, अगर 850 ईमेल्स जाएंगे, अगर 850 रजिस्ट्री से चिट्ठियां जाएंगी आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को, आपके कॉर्पोरेटर को, आपके MLA को, आपके MP को, उसको जवाब देना पड़ेगा। और पोस्ट वाले पागल हो जाएंगे, उसके मुंह मुंह करके उछालेंगे, लिखो पढ़ो, उसका ईमेल जैम हो जाएगा। आई एम पार्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड पेटिशनर्स ग्रुप, जिसमें गौरव हो रहा है और कमला कृष्ण है, जो मजे हुए PIL और RTI एक्टिविस्ट हैं, उनको ज्वाइन करो ना, उनका नंबर दो ना। मुंबई कलेक्टिव, आई एम लविंग व्हाट दे आर डूइंग, बट दे ऑल्सो शुड डिसबर्स इंफॉर्मेशन। सिर्फ आवाज अपने अंदर अंदर गूंज रही है, उनको ये इन्फॉर्मेशन दो कि सुनो ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है, ये उसका लिंक है, जाओ वहां से इन्फॉर्मेशन निकालो, आज अभी कभी अपने 3G 4G का इस्तेमाल करो, चिट्ठी लिखो। इसमें मुझे ऑब्जेक्शन है, आपने, आप मुझे रिप्रेजेंट करते हैं और आपने ये लॉ पारित किया, ये मेरी इच्छा के खिलाफ है, और आप मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब मेरी मर्जी आपको पूरी करनी है, ये मेरी मर्जी के खिलाफ है, प्लीज इसको वापस लीजिए। एंड यू मस्ट इन लार्ज नंबर्स राइट टू द गवर्नमेंट, इन लार्ज, हमें 1.3 बिलियन लोग हैं यार, जितने पढ़े लिखे हैं लिख सकते हैं वो तो लिखे, दैट कैन बी अ फ्यू क्रोर्स। पुलिस तो वर्दी वाले तो इनके गुलाम हैं, ये तो इनके गुलाम है। अच्छा सुनो, मैं एयरफोर्स की फैमिली से आती हूँ, मैंने वर्दी का जिंदगी भर खाया है, मेरे फादर का भी 5 साल पहले इंतकाल हुआ, ही हैज सर्व द इंडियन एयरफोर्स फॉर 45 ईयर्स, ये वायुसेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल जीता है उन्होंने, जंग लड़ी है, ठीक है। सो आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ वर्दी वालास, बट आई कैन टेल यू दैट दे कैन प्रोटेस्ट नाउ, कमोडोर राम इज देयर बिकॉज ही इज रिटायर्ड, had he been in the force he would be impeached for disloyalty if he
had gone against his superiors. You understand? Abhi Azad Maidan mein itni badi CAA ke khilaf protest hua tha, 2 lakh log kehte hain gaye the jisme hum bhi shamil the. Wahan police wale se maine baat ki, kyunki mujhe bhi bada maza aata police wale se. Wo pura riot wale baithe hue the, sab apni shield lekar ke yun ghar mein aaram se soye the pade the. Wo kya zor kuch nahi yaar. To mera sir ye aapki bhi ladai hai, aapko pata hai na hum log ye bhi lad rahe hain. Ha mala kehte hain. Hum mala kehte ho. Hum na hum nahi the. हम आपके साथ हैं तो काय करूँ मौके है नाम चाहिए मैं करूँ शुक्र अभी तो हम हमने आइसक्रीम खरीद के खा दीजिए ना नागी हो सके बस नागी हो सके ठीक ना सो देयर आर गुड पीपल दे अंडरस्टैंड अभी कल मैं कल्याण गई थी जहाँ कल्याण में शाइन बाग हो रहा है आपको पता है केडीएमसी ग्राउंड में हो रहा है मैं कल गई थी और मैंने उनको संबोधित किया था और मैंने उनसे उनसे पूछा था वर्दी वालों से मैंने कहा आपको लगता है आपको नहीं अपना प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि आप सिटीजन है इस कंट्री के आपकी नानी के पास है आपकी माँ के पास है स्कूल गई थी वो गई थी क्या पिताजी गए थे क्या वहाँ से गई थी वो नीच जिसको गोद में खिलाते हो उसकी माँ गई थी आपको भी प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे वर्दी की वजह से शायद आप फर्जी बनवा भी लें लेकिन पैसा तो देना पड़ेगा भाई जितना घूस में लेता है उतना घूस में देना पड़ेगा नहीं टिका कोई नहीं टिका जब तक मैंने 5 मिनट ना बोलना शुरू किया और जितनी वर्दी थी सारी हद आप सच बोलिए तो सही और इंफॉर्मेशन दीजिए लोगों को जो वो इस्तेमाल कर सके अब वहां पे सीए क्यों खराब है मैंने एक्चुअली निकाला इधर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स हैव रिटन प्रॉपर आर्टिकल्स अबाउट इट आर्टिकल 1 आर्टिकल 135 का क्या आपका है आर्टिकल 14 15 में कौन से क्लॉजेस हैं जो रेलेवेंट हैं किस किस चीज के खिलाफ है 170 हो 364 हो जो भी हो 370 हो 364 हो जो भी हो ठीक है दे हैव रिटन इमेंसली इट्स ऑनलाइन इट्स देयर वायर में है केस में है कि स्क्रोल में है कि हफिंगटन पोस्ट में है दुनिया भर में है या इंडिपेंडेंट ब्लॉग्स में है लोग एवरीबडी इज ऑनलाइन So find them. I gave it to the girls. I said, don't wait for someone like me to come and tell you what is. Do you know kin reasons ki wajah se ye unconstitutional hai? Ye 30 reasons hai. 30 reasons why CAA, NRC and NPR are unconstitutional. Ye 30 hai. Ye likhe hai. Ye constitutional lawyer liye likhe hai. मैं आपको ये भेज रही हूँ ये मैंने भी इंटरनेट से ही निकाला है आई एम 53 years old आई जस्ट फिगर्ड आउट हाउ टू यूज अ कंप्यूटर ओके यू गाइस वर बोर्न विद इट इन योर ब्लड यू विल क्रैक माय डॉटर क्रैक्स एनी इंस्ट्रूमेंट या उसको 14 साल की है वो आई विल गिव इट टू मी एंड शी विल क्रैक इट यू नो व्हाटएवर इट इज सो यू गाइस हैव इट इन यू दिस इज व्हाट यू शुड बी लुकिंग फॉर स्टार्स के इंस्टाग्राम पोस्ट एंड फिगर आउट को कौन सी किसके कपड़े पहन के आए थे वो किसके कपड़े पहने आए थे आप क्या हाउ डज इट कनेक्ट कि दीपिका पावन ने कौन सा कपड़ा पहना था किस यू नो आई एम श्योर शी लुक्स गुड डू दैट आल्सो बट आल्सो डू दिस आप इस प्रोटेस्ट में बैठे हैं क्या नॉलेज लेके बैठे हैं ये 30 कारण हैं जिसकी वजह से CAA इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल कल बेटा मेरे लिए वेट मत करना किसी सेलिब्रिटी के लिए वेट मत करना जब ये मजमा शुरू होता है जब लेक्चर्स शुरू होते हैं जब बोलना शुरू होता है दिन भर लोग हैं हमारा अद्भुत है लेकिन 7 से 10 बजे के बीच में उनको ग्रुप इस्तेमाल करने का परमिशन है फ्रॉम द पुलिस उस समय आप आके कहना मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि ये 30 कारण हैं जिसकी वजह से CAA अनकॉन्स्टिट्यूशनल लास्ट क्वेश्चन है जैसा कि अभी दुश्मन का माहौल फैलने के जैसा हो गया हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो गया क्या आपके जैसे फ्रेंड्स मुस्लिम से जिससे आप हटके रहते हो नहीं पागल मैं फौजी आदमी हूँ यार क्या हम तो मैं तो रोजे भी रखती हूँ मेरे यहाँ पे क्रिसमस ट्री भी लगता है हम फौजी हैं यार हम नहीं ऐसे सब करते हैं हम सब खाते हैं हाँ हम सब जरा सब खाते हैं क्या नहीं है जो नहीं खा जो खाते हैं सब खाते हैं बॉस हम सब पहनते हैं सब खाते हैं आज मुझे ऑडिशन के लिए जाना था इसलिए मैं साड़ी पहनती हूँ वरना मैं तो पैंट शर्ट में घूमती हूँ मेरे पास नहीं है टाइम ये सब बकवास करने के लिए क्वेश्चन दिस इज कि आप कट के रहते हो नहीं यार हाँ अगर हम कट के रहते होते तो यहाँ बैठे होते नहीं बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा देश नहीं है और एक चीज मैं आपको और बोलूं ये लड़ाई अभी नहीं शुरू हुई ये लड़ाई
ये लड़ाई स्टूडेंट्स की और सिर्फ कश्मीर की वजह से, पता कब शुरू होनी चाहिए थी ये, जब उन्होंने आपसे बोला कि आधार के बिना आप एग्जाम नहीं दे सकेंगे, जब आपसे उन्होंने आपसे बोला कि आधार लिंक करो तब आपको सिम कार्ड मिलेगा और आप बैंक कर सकते हैं। आपको पता है मैंने उसके बाद पहला अपना इनकम टैक्स रिटर्न हार्ड कॉपी में भेजा था। मैंने कहा लेके जाओ, देती हूँ ना पैसा, चार्ज तो कर ही रहे हो ना सीए, जाओ लेके जाओ, नहीं दूंगी आधार, नहीं दूंगी, बनाऊंगी भी नहीं, किसी चीज से लिंक भी नहीं करूंगी। नहीं किया है मैंने, नहीं किया है। आपको लगता है सिर्फ आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, भाई सफेदी पर मत जाइए बेटा, हम भी लट मार रहे हैं, ऐसी बात नहीं, हम भी लड़ रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा सचेत होकर लड़िए, सिर्फ आवाज उठा के जोर जोर से चिल्लाने से एक पॉइंट के बाद में आदमी ट्यून आउट कर जाता है। कितना चिल्ला रहे, आराम से बात करना, आराम से बात करो, कुछ आसान हो यार, याद रहता है, करो डू दिस। एंड ये छोटी छोटी लड़ाइयां हैं, द मिनट दिस स्टार्ट चेंजिंग दैट कि आधार और ये और क्यों क्यों आधार, बायोमेट्रिक्स आपके पासपोर्ट में है, आपको पता है ना, तो फिर मेरे बायोमेट्रिक्स की और किसको जरूरत है? देश के भीतर तो मैं कहीं भी स्वतंत्रता से घूम सकती हूँ, मेरी बायोमेट्रिक्स की जरूरत नहीं है। देश से बाहर जाती हूँ तो बायोमेट्रिक्स की जरूरत है ना, तो फिर क्यों बायोमेट्रिक्स दूँ? ये किसी को क्यों नहीं समझ में आया, ये किसी ने छात्रों से पूछा क्यों नहीं? ये जब हम मिलते हैं, सॉलिडारिटी अच्छी बात है और होनी भी चाहिए, इसीलिए मैं आई हूं इतनी दूर से, पर ज्ञान अर्जन करना ये जरूरी है। See something that the other guy doesn't know, you know? वो आदान प्रदान वो होना चाहिए। मुझे सुशांत का कहना बहुत अच्छा लगा, छोटी चोरी ना करना मन करो, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड इन कल्याण यस्टरडे। मैंने कहा जब तुम बोलते हो ये चोर है, वो मिनिस्टर चोर है, वो चोर है, आप में से कितने लोग बिना घूस के जीते हैं, दिए या लिए? कितने लोग प्रॉपर लाइसेंस लेकर के अपना बिजनेस कर रहे हैं? कितने लोग पूरा अपना इनकम टैक्स जमा कर रहे हैं? कितने लोग रात को 2 बजे भी रेड लाइट पे रुकते हैं? अगर आप वो नहीं करते तो किसी और को कैसे बोल सकते हैं? पहले अपने आप को, माइकल जैक्सन आई लव हिम, स्टार्ट विद द मैन इन द मिरर, स्टार्ट विद द मैन इन द मिरर, बिकॉज़ व्हेन यू कैन लुक एट एनीबॉडी इन द आई एंड से को, कैसे मोदी को फिर से सेकंड टर्म मिला? दैट मैन लिटरली सैंक्शनड एंड सुपरवाइज्ड अ जेनोसाइड, कैसे मिला उसको? नहीं, एक चांस देना चाहिए, सबको एक चांस देना चाहिए। एक गुजरात मॉडल है, किसने देखा था? किसने वो मॉडल देखा था? क्या था वो मॉडल? किसी ने अपने माँ बाप से नहीं पूछा कि मामा क्या मॉडल था वो, बताओ तो। मैं मेरे घर में 4 दिन की दिवाली वगैरह मनती है, मैं खुद भट्ट जी हूँ क्योंकि मैंने दीक्षा ली है, तो मैं सब ये भट्ट लोगों का संस्कृत में उच्चारण वगैरह करके सब करती हूँ, ठीक है? तो 4 दिन मैं खुद होम हवन करती हूँ, मैं वगैरह बताती हूँ, सब करती थी। और फिर उसका बहुत सारा कचरा होता है और उसको, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट एंड आई वॉज एट द फोरफ्रंट ऑफ द आर ए मूवमेंट विच आई एम नॉट नो लॉन्गर एट, बट 5 years ago आई वॉज देयर, यू नो, ऑल द टाइम। एंड माई दैट टाइम 11-year-old डॉटर सेड टू मी, शी सेड मम्मा इतना कचरा आप बनाते क्यों हो जब आपको टेंशन होता है कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली वे में इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करें? बनाया क्यों? क्रिएट क्यों किया वो कचरा? आपके भगवान को वो केले के पत्ते और वो अक्षत और वो कुंकू उसके बिना नहीं खुश होगा क्या आपका भगवान? एंड इट मेक परफेक्ट सेंस टू मी, परफेक्ट सेंस। वो दिन और आज का दिन तोरण में ही लगाती क्योंकि वो फूल निकालो, फिर वो धागा बांध के अलग सर को, धागे पड़े पड़े सड़ते रहते हैं क्योंकि वो किसी चीज में इस्तेमाल होते नहीं, सोच के रखा नहीं यूज करेंगे, कुछ नहीं होता। सो डोंट स्टार्ट समथिंग if you don't know, if you can't finish, that's the basis. My daughter taught me about pollution in 5 minutes, like that, you know. Solid waste management, don't create it, banao mat. You see what I'm saying? This is the kind of information sharing that which should also happen on this platform. I'm very happy to be here. I'll be here first thing tomorrow morning. I'm dying to hear Mr. Vijayan, Pinarayi Vijayan, so I'll be here definitely. But also these things, people should be talking about these things. क्या करोगे? कौन है तुम्हारा MLA, जानते हो? आपके एरिया से कौन है MLA? आपका नगर सेवक कौन है? किस वार्ड में रहते हो आप? सिविक्स की बात कर रहे हो यहाँ, डेमोक्रेसी की, हाउ टू एंगेज, यू
आपने उसका जब उसने अपना एफिडेविट फाइल किया था, डिड यू गो थ्रू इट? इट्स ऑनलाइन. डू यू हैव एनी क्रिमिनल केसेस ही हैज? ऑल द कैंडिडेट्स, डिड यू डू दैट रिसर्च बिफोर यू वेंट टू वोट? आई डिड. कभी भी मैं तो उसको कभी वोट नहीं दे सकती. आप मुझे रीजन पूछ रहे हैं, मैं आप रीजन बता चुकी हूँ. सैड ओवर जेनोसाइड, ही इज अ प्रधान प्रचारक ऑफ आरएसएस व्हिच इज एन एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. यू नो दैट देयर इज अ पिटिशन बीइंग फ्लोटेड राइट नाउ इन अमेरिका एंड इन यूरोप टू डिक्लेयर ऑफिशियली दैट आरएसएस इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. First terrorist on freed Indian soil was a man called Godse. He was from RSS. He was a pet of someone called Savarkar. मुझे पता नहीं जरूरत, आप गूगल करिए, आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल्स उस जमाने के मिलेंगे. आरएसएस ने बंदूक सप्लाई की थी.